नमस्ते, अगर आप जून से अगस्त तक इन प्रयोगों को कर लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उनके लिए ये ज़रूर करें। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसकी लू उतारें, क्योंकि इस मौसम में लू ज़्यादा लगती है। दूसरा, उस पर्सन को दिन में 2 से 3 इलायची ज़रूर खिलाएं, इससे उसकी लू उतर जाएगी। तीसरा, उसके शरीर में घी कपूर लगाएं जैसे ही उसको बुखार आए। अगर तेज़ बुखार है तो पूरे शरीर में घी कपूर लगाएं, अदरवाइज़ घी और देसी कपूर को मिला के आप उसके नाभि के ऊपर शरीर का जितना हिस्सा आता है, चाहे चेहरा हो, छाती हो, पीठ हो, हाथ हो, वहाँ पे आप अच्छे से घी कपूर लगाएं, और नाभि के नीचे जांघों में, पैर में, तलवे में हल्का हल्का नारियल तेल लगा दें, और यहाँ पर आपको घी कपूर ज़रूर लगाना है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको उस पर्सन को, और जो भी इंसान स्वस्थ रहना चाहे, पहले के 2 प्रयोग तो जो बीमार है उनके लिए, इलायची तो आप भी खा सकते हैं, है कि आप दिन में कम से कम 2 बार काली चाय ज़रूर पिए, 1/2 कप से 1 कप से ज़्यादा नहीं लेनी है। और उस काली चाय में आपको क्या डालना है बड़े ध्यान से समझिए, एक टुकड़ा सौंठ, 8-10 काली मिर्ची, 8-10 लौंग, आप इतना पीस के रखिए। ये मसाला कम से कम 10 से 12 दिन आपको चलाना है, और काली चाय बनाने के बाद ग्लास में आप ये मसाला एक पिंच से लेके आप डालें, उसके बाद उसमें 1 पिंच काला नमक डालें, काली चाय में शक्कर अच्छे से रखिएगा, और 2 बूंद से 4 बूंद नींबू का रस निचोड़िए और उसको दिन में 2 बार पीजिए। साथ ही साथ पानी अच्छे से पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से सबसे ज़्यादा मौत होती है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दिनों जब आप बाहर निकले तब अपने साथ जेब में 2 से 3 इलायची रख के ज़रूर जाएं, इससे भी आप लू से बचेंगे। लू उतारने के लिए आपको एक सिंपल सा प्रयोग करना है, आपको एक सूती छन्ना ले लेना है, सूती गमछा ले लेना है सफ़ेद कलर का, उसे रनिंग वाटर में धो लेना है, निचोड़ लेना है, छन्ने को सिर से लेके पैर तक नीचे उतारें। जो भी मंत्र आप जानते हैं, गायत्री मंत्र, नमोकार मंत्र, या जो भी आपके रिलीजन का मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ते हुए इसके बाद दोबारा उस छन्ने को या उस कॉटन के गमछे को गीला करें, निचोड़ें, फिर से वैसा करें, ऐसे 3 बार करें, और उस व्यक्ति की लू उतर जाएगी। तो आई नो इस वीडियो में मैंने जितनी बातें बताई वो सारी चीज़ें आप करने वाले हैं, और उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, आपके घर में जो भी बीमार है वो स्वस्थ होने वाला है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ।